बात अगली खबर की। कुलदीप मार्शल आर्ट क्लब फरीदाबाद और हरियाणा किक बॉक्सिंग संघ के तत्वाधान में दो दिवसीय मुख्यमंत्री कप हरियाणा राज्य किक बॉक्सिंग प्रतियोगिता का आयोजन फरीदाबाद के एक शिक्षण संस्थान में किया गया। इससे दो दिवसीय प्रतियोगिता में विभिन्न जिलों के लगभग 300 खिलाड़ी भाग ले रहे हैं। हरियाणा के 8 जिलों से पहुंचे सैकड़ों खिलाड़ियों ने प्रतियोगिताओं में पहुंचकर अपने अपने जिले का प्रतिनिधित्व किया। इस प्रतियोगिता में रेफरी की भूमिका निभा रहे इंटरनेशनल रेफरी ने बताया कि हर साल हरियाणा में मुख्यमंत्री कप का आयोजन किया जाता है। इस बार भी उसी तर्ज पर फरीदाबाद में 4G मुख्यमंत्री कप हरियाणा राज्य किक बॉक्सिंग प्रतियोगिता का आयोजन किया गया है, जिसमें राष्ट्रीय स्तर के ही नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी भी मौजूद हैं। नमस्कार सर, निशा कुकरेजा। मैं ये कहना चाहूँगी कि किक बॉक्सिंग सिर्फ एक गेम ही नहीं, सेल्फ डिफेंस भी है, जो कि सब गर्ल्स के लिए आज के टाइम पे बहुत ज़रूरी है खेलना। और मैं ये कहना चाहूँगी कि सरकार जल्द से जल्द इसको अपनी खेल नीति में शामिल करे, ताकि प्लेयर्स को और ज़्यादा फ़ायदा हो सके आगे। अप्रॉक्स 7 ईयर्स बिफोर समर वेकेशंस में इसने क्लासेस ज्वाइन करी थी एज अ हॉबी क्लासेस। उसके बाद धीरे धीरे इसका इंटरेस्ट आने लगा और मेरा भी एक पैशन था कि गर्ल्स को कुछ डिफरेंट करके दिखाना चाहिए, तो उसको भी आगे अच्छे से खेलने लगी तो उसका इंटरेस्ट आने लगा आगे। मैं लक्ष्मण, मेरा नाम लक्ष्मण है, मैं एज अ रेफरी यहाँ पर हूँ और तथापि नंबर 1 में एज अ चीफ रेफरी काम कर रहा हूँ। और अभी तक जो है हरियाणा में टोटल 8 टीम्स आई हुई है जो पार्टिसिपेट कर रही है, जिसमें ओवरऑल 200 के करीब बच्चे हैं जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं। कितनी टीमें आई हुई हैं लगभग सर? 8। तो 2 मिनट में प्रोग्राम को स्टार्ट करेंगे। जज्जर, पानीपत, सोनीपत, ठीक है, अपना रेवाड़ी हो गया, यहाँ की टीमें आई हुई हैं। फोकस सर गेम को थोड़ा सा प्रमोट करना, किक बॉक्सिंग को आगे बढ़ाने हमारा लक्ष्य होता है कि किक बॉक्सिंग को ज़्यादा से ज़्यादा फैलाएं ऑल ओवर स्टेट, नेशनल लेवल पे, तो यही हमारा मकसद होता है। इसीलिए हम लोग टाइम टू टाइम इवेंट्स करवाते रहते हैं। अभी फिर हमारी अप्रैल में भी टूर्नामेंट्स हैं, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे अप्रैल में, फिर मई में स्टेट है, ऐसे इस तरीके से टूर्नामेंट चलते रहते हैं। क्या नाम आपका? नमस्कार सर, सर मेरा नाम संदीप है। सर मेरा गेम शुरू से ही किक बॉक्सिंग है और मैं फिलहाल स्टेट खेलने आया हूँ, और इससे पहले मैं तुर्किश ओपन नेशनल, मैं 3 टाइम्स नेशनल खेल चुका हूँ, 2 टाइम इंटरनेशनल खेल चुका हूँ और नेक्स्ट टाइम भी इंटरनेशनल खेलने की इच्छा है। कहाँ से आए हैं? मैं जज्जर से आया हूँ, जज्जर डिस्ट्रिक्ट से। बिल्कुल गोल्ड मेडल हासिल करेंगे। नितेश, मैं सर खेलता लाइट कॉन्टैक्ट और क्वालिफाइड, मैं रहने वाला बिहार से हूँ, हरियाणा से खेलता हूँ सर। मैंने अभी तक नेशनल में गोल्ड ले चुका हूँ सर, 4 यूनिट खेल चुका हूँ, तो सब गोल्ड है, 3ों में गोल्ड है, 4 सिल्वर है, तो वाको इंडिया का थैंक यू बोलना चाहूँगा बहुत ही बहुत। हाँ जी, आगे क्या लगता है आपको? आगे नाम क्या? आगे नितेश मुखिया। ये है सर जो मैं आगे खेलते रहूँ, वो जो मैं आगे बढ़ते रहूँ, कि इसलिए यही बोलना चाहूँगा कि नेशनल इंटरनेशनल आ रहा है, उसमें कोशिश करूँगा सर गोल्ड लेने के लिए पूरे, तो थैंक यू सर। मेरा नाम चिराग। कहाँ से आए हैं? मैं जज डिस्ट्रिक्ट से स्टेट गेम खेलने आए हैं किक बॉक्सिंग का। पहले कहाँ कहाँ खेल चुके हैं आप? मैं पहले बहुत जगह खेल चुका हूँ, नेशनल फेडरेशन कप, इंटरनेशनल तुर्किस्तान में था, वहाँ पे भी गए थे, डिस्ट्रिक्ट भी खेल चुके हैं। मेरा लक्ष्य ओलंपिक तक पहुँचना है, ओलंपिक तक पहुँचना है, और मैं ओलंपिक में जाके ही रहूँगा। हाँ, गोल्ड मेडल हमारा नेशनल में भी आया था और डिस्ट्रिक्ट में भी आया था, पहले स्टेट में भी आया था। रुचि मुझे मेरे कोच जसवंत सर मिले, वो उस मेरा गेम में शुरू से ही ध्यान था, इसलिए सर ने मैं